जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे मैं बता चुका था कि मैं आपके बीच में आऊँगा, एआरओ वाराणसी गोरखपुर में ये जो भर्ती हो रही है साथियों, बहुत अच्छी भर्ती चल रही है। कुछ बंदे तो मैं ग्राउंड पे जा नहीं पाया, वो बोले कि इधर अगर एकेडमी वाले हो तो इधर मत आना, क्योंकि भी साथियों जानते एकेडमी वाले के ऊपर वो लोग थोड़ा दिक्कत करते हैं कि कोई जैक जी हो, जी कुछ करने के लिए आए हो, क्या जी करने के लिए, ये सब सारी बातें जानते हैं। मैं साइड था, ऐसे कुछ बंदे जो इधर इधर भी था, ये मैं इनसे बोला कि हमें पहचान रहे हो, बोला कि सर जी मैं यहाँ पे आया तो वहाँ थोड़ा मैं पहली बार आया हूँ, थोड़ा आपका यूट्यूब पे डाला तो मैंने आपको पहचान गया। मैंने इनसे साथियों प्यारे साथियों मैं इनसे खुद पूछा, यार दोस्त कुछ बताओगे, रिव्यू दोगे, हमें भी बोले कि सर जी क्या पूछोगे, पूछ लो हम बताएंगे। लेकिन साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर एक अपडेट आपको सबसे पहले देते हैं। हमारी क्लास भी चलती है अग्निवीर की, पूरा बैच फ्री है, अच्छे से उसको भी लेते रहो। दोस्त, आपका शुभ नाम क्या है? अनुभूति वारी। आप किस ट्रेड के थे? टेक्निकल मैं टेक्निकल के थे आप? कितने दिन यार, आज तो टाइमिंग तो ठीक ठाक दे रहे हैं, बहुत बंदे पकड़ रहे हैं जी। सर मैं SSC GD सर तैयारी कर रहा था सर। मैं फॉर्म भर दिया था सर, मेरी वो ये निकल गई थे पेपर सर। मैं वही पेपर निकला तो 10 उस दिन मैं उसके बाद ग्राउंड पे मेहनत के सर, तो आपकी तो टाइमिंग क्या आ रही थी? 5:52 सर, 5:52, 5:53 ऐसे यानी सर। कि 6 डाउन वाले थे, हाँ 5 डाउन वाले नहीं थे। जी जी सर। अच्छा, जो बंदा अच्छे से रनिंग करे, कितना उसकी टाइमिंग हो जो इधर मार दे? सर बहुत ज़्यादा सर, 5:30, 5:25 सर, इतना टाइम दे रहा सर। जो बंदा सर ग्राउंड पे अपने सर होम ग्राउंड पे सर मेहनत करा होगा, वो सर यहाँ आराम से रेस निकाल लेगा सर। अच्छा टाइम भी दे रहे थे। अच्छा, कितने का बैच बना रहे थे? कोई एक बंदा, कुछ बंदे बता रहे सर जी 100 का भी बैच नहीं बन रहा है, वही वही 90-90 का बैच बन रहा है, तब भी कितने बंदे पकड़ रहे हैं उतने? सर हमारे ग्रुप में सर ज़्यादा 85-85 बंदे ग्रुप बना था सर, जिसमें से 55-55 बंदे पकड़े थे सर। 85 बंदे का ग्रुप बना था, 55 बंदे पास हुए, जी जी सर, इतना सारे बंदे। जी जी अच्छा यार, इसका मतलब कुछ जो बंदा 4 राउंड दौड़ दे रहा है, रनिंग कर ले रहा है ग्राउंड पे, उसकी तो रेस निकल जा रही है। हाँ सर। हाँ, जो थोड़ा ग्राउंड अपने मेहनत करा होगा सर, वो उसका निकल जाएगा। हम लोग सर थोड़ा SSC GD सर वो कर रहे, तैयारी कर रहे थे सर, इसलिए थोड़ा इसमें ध्यान नहीं दिए सर। हम कहे चलो देख ले रेस, लेकिन सर नहीं निकला। अच्छा, कैसे मुझे पहचाने थे? आपने तो फौज से दूर हो, सिर्फ पेपर दिया, पेपर निकल गया, फिर उसके बाद रनिंग भी नहीं की तो सीधा भर्ती में जी चले आए। सर, हमें पता है आप सर, आपके एक चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी है सर, उसमें हम ये हमारे ग्राउंड जाते थे, बहुत लोग बताते बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा चैनल चल रहा है सर, उस पर पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, कई अच्छे अच्छे टीचर आए हैं, उस पर अच्छे अच्छे क्लास चल रहे हैं। हम भी कहें लाओ थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, देखें कैसे चला, हमें अच्छा लगा तो हम तो आपने सर। यहाँ वाराणसी आरो का रिव्यू मैंने बताया था कि भर्ती के पहले डॉक्यूमेंट के बारे ये सब देखे ओके देखे थे हाँ तभी। हाँ सर, हाँ देखे थे अच्छा आप। ये बताओ, चलो छोड़ो, मैं तो जो तो हूँ आप भी जानते हो मेरे दोस्त। अच्छा यार, आपको एंट्री कितने बजे की है इधर? वही सर 3 बजे। 3 बजे आपको एंट्री? क्या हाइट वेट नाप रहे थे? सर हाइट तो एकदम जितना आप बता रहे थे, कितना हाइट लगेगी, कितना डॉक्यूमेंट लगेगा। नहीं हाइट नहीं, रनिंग से पहले क्या हाइट हुई थी? तो हो नहीं रहा था ये क्या? नहीं हो रहा था। क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके क्या लगे? कोई एक बंदा रिव्यू लिया था, उन्होंने क्या बताया कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और हाई हाई स्कूल की स्कूल यही मार्क। सर, अंदर जाने के लिए यही इतना लग रहा था, हाई स्कूल, इंटर, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। साथियों मैं फिर से कह रहा हूँ, जो बंदा 8वीं वाला आएगा फेल, 8वीं पास, जो 8वीं से मार्कशीट बनवाया है, वो बंदा जो 8वीं से ट्रेडमैन की भर्ती देख रहा है साथियों, वो 8वीं के लेके आएगा। जो आपके एडमिट कार्ड में अगर 10+2 लगा है, 10+2 लेके आना, और कोई भी आपके यानी आधार कार्ड 10+2, अगर हाई स्कूल से ओनली हाई स्कूल लगा है तो हाई स्कूल लगेगा, अगर 10+2 लगा है तो 10+2 लगेगा, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, बस यही सब चलना चाहिए। और भी आप थोड़ा बताओ, और भी आपने कितना ग्रुप अपनी आँखों से देखा था, कितना टाइमिंग दे रहे थे? सर हमारा तो चौथा ग्रुप था सर, हम तो वहाँ घड़ी तो लगाए नहीं थे सर ज़्यादा सर, हमें लगता था वही 5:50, 5:25 ऐसे टाइम देते थे सर, इससे कम तो नहीं देते थे। हर ग्रुप में सर अच्छे बंदे, जैसे लग रहा था सर वहाँ 100 का ग्रुप तो नहीं बन रहा था, ज़्यादा 90-95 ऐसे बनता था, तो अच्छे बंदे पकड़े थे। यानी कि जो 4 राउंड रनिंग कर ले रहा था उस क्या हाँ था, वो वो सारे बंदे पास हो हाँ जा रहे थे। हाँ हाँ जी सर। और भी कुछ जानकारी बताओगे अपने? सर हाँ, हम बताएंगे सर, ये आपका जो चैनल सर, ये
अरे हमारा चेहरा, हमारा चेहरा सब कुछ सही है दोस्त। ठीक है, मैं तो आप सबके लिए काम कर रहा हूँ। जो बंदा जो वो जानता है, जो जिसके अंदर फौज का दीवाना है, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। एक बात कहेंगे सर, अगर जिसको आर्मी की तैयारी करना है तो आर्मी फ्री एकेडमी सब्सक्राइब करें। चलो ठीक है, अभी आपकी कितनी एज है, अभी भर्ती बची है? हमारी अभी तो है सर, अभी हमें 19 साल की हुई है। तो साथियों अभी आपकी भर्ती, अभी जनवरी में फिर से भर्ती आ रही है। देखना दोस्त, तो टेंशन मत लो यार, आपको क्या टेंशन, आप तो एंजॉय कर रहे हो, तो आप 10 दिन दौड़ के, मगर लेकिन दोस्त आप अच्छे से चल देना यार। ट्रेडमैन के लिए भी यही बनेगा, टेक्निकल के, टेक्निकल का तो आज हो चुका है, अब जो टेक्निकल में बंदे पास होके आएंगे साथियों, मैं उनका रिव्यू लूंगा, उस बंदे सच बताएंगे क्या है क्या नहीं, वो ठीक ठाक बताएंगे। लेकिन साथियों आप अगर चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई अपडेट रहेगा सबसे पहले दूंगा। जय हिंद, जय भारत।